घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर मोमबत्ती, दिया, मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। भारत में 21 दिन का लॉकडाउन जारी है। ये 21 दिन घर में ऐसा लग रहा है मानो हम भारतवासी बिग बॉस खेल रहे हों। और मोदी जी बिग बॉस की तरह न्यूज पर आते हैं कुछ दिनों के बाद और टास्क देकर चले जाते हैं। पहला टास्क उन्होंने जनता कर्फ्यू लगाकर 5 मिनट के लिए ताली और थाली बजाने का दिया था। अब इस बार मोदी जी ने एक नया टास्क दिया, 5 अप्रैल को रात 9 बजे 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया या फ्लैश चलाने का। हम सबको मिलकर कोरोना के संकट के अंधकार को चुनौती देनी है, उसे प्रकाश की ताकत का परिचय कराना है। 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे मैं आप सबके 9 मिनट चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा, 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। लेकिन हुआ वही जिसका डर था। हमने पहले ही कहा था कि भक्तों, मोदी जी ने दिया जलाने को कहा है, घर जलाने को नहीं। लोगों ने इसका भी एक मजाक बनाकर रख दिया। करेंगे एबीपी न्यूज पर बिहार में 5 अप्रैल को 9 बजे के बाद 12 घर चलने की खबर आई। ये आग कैसे लगी ये आपको बताते हैं। पीएम मोदी के आह्वान पर देश में दीप जलाने का कार्यक्रम रखा गया था, लोग घर में दीप जला रहे थे। दिए जलाने के दौरान ही मोतिहारी के सिपाही गांव में आग लग गई और देखते ही देखते एक दर्जन घर जलकर खाक हो गए, ये पूरा इलाका स्वाहा हो गया। मीडिया ने मोदी जी की इस रिक्वेस्ट को भी एक त्योहार की तरह पेश किया। आइए कुछ हेडलाइंस आपको दिखाते हैं न्यूज चैनलों की। ली न्यूज पर 9 मिनट के प्रम से कोरोना का सर्वनाश, आज तक पर
9 मिनट की दिवाली हारेगी महामारी। एबीपी न्यूज पर कोरोना के अंधेरे को भारत की चुनौती। इंडिया टीवी पर आओ दिया जलाएं आज रात 9:09। इतना ही नहीं, कुछ भक्तों ने तो इस टास्क पर नई थ्योरी भी दे दी कि मोदी जी ने 5 तारीख को ही क्यों दिया जलाने को कहा और 9 बजे ही क्यों कहा। जरा सुनिए। मोदी जी ये काम 4 तारीख को भी करा सकते थे, शाम को 8 बजे भी करा सकते थे, 7:30 बजे भी करा सकते थे, बट 9 बजे ही क्यों। 9 बजे, 9 नंबर जो है ये मार्स का नंबर है यानी कि मंगल का। 9 बजे और 9 मिनट यानी कि मार्स का डबल इफेक्ट। तो जब मार्स आप स्ट्रांग करते हैं तो आपकी विल पावर स्ट्रांग होती है, आपके अंदर चीजों को लड़ने की क्षमता आती है। और 5 तारीख को चंद्रमा जो है ये लियो में है यानी कि सिंह राशि में है। सिंह राशि यानी कि सूर्य की राशि, सूर्य मतलब कि रोशनी। तो जब आप रोशनी जलाएंगे तो चंद्रमा को भी ताकत मिलेगी यानी कि आपके मन को ताकत मिलेगी। आपके मन को नहीं, हमारे देश को भी ताकत मिलेगी। कुछ लोगों ने इसका भी मजाक बनाकर रख दिया, लेकिन भारत के कुछ लोगों ने एकजुटता का संदेश भी दिया। लोगों ने इस कार्य को शांतिपूर्वक भी किया। अब सबकी नजर मोदी जी के अगले टास्क पर होगी। कहीं मोदी जी अगला टास्क अपने मुंह पर थप्पड़ मारने का ना दे दे ताकि मुंह से कोरोना खत्म हो जाए। खैर, मोदी जी जब भी अगला टास्क देंगे पहले की तरह लोग उसका भी मजाक बनाकर ही रख देंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी को भी लोगों को टास्क देने के बजाय राहत का संदेश देना चाहिए, सही जानकारी देनी चाहिए कि हमारे देश की सरकार कोरोना से लड़ने के लिए क्या कदम उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। Channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.